सीतापुर के ताल गांव कोतवाली क्षेत्र ग्राम सभा मौर्य कला में कोटेदार जगरानी ने गरीबों के मुंह से निवाला छीन कर अवैध रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के गल्लेदार व्यक्तियों के हाथों से बेचा जा रहा है। मुरिया के कोटेदार जगरानी ने ग्रामीण गल्लेदार रामू पुत्र राजा राम जो कि इटारी का रहने वाला है उन्हीं के हाथों से सरकारी गल्ला बेच गया था। जो गल्ला ले जाते समय ग्रामीणों ने गल्ला सहित रामू पुत्र राजा राम के भेजे गए मजदूर को सरकारी गल्ला व ठेलिया सहित ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसमें ग्रामीण कोटेदार जगरानी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी गई, जिसमें मुरिया के रहने वाले व्यक्ति ललित कुमार का कहना है कि प्रत्येक तीसरे दिन सरकारी गल्ले को गल्लेदारों के हाथ बेचा जा रहा है, जो कि ग्रामीणों की बाजारों में रामू पुत्र राजा राम के हाथों बेचा जाता है। रमेश जी का कहना है कि कोटा को सस्पेंड कर जेल भेजा जाए। इसमें गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लालू सिंह ने कोतवाली थाना तालगांव को फोन किया, जहां पर डायल 100 तालगांव कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची और तहसीलदार व सप्लाई इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचकर सरकारी गल्ला को अपने कब्जे में लेकर के सरकारी गल्ला खरीदने व बेचने वाले पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस संबंध में उप जिलाधिकारी पूर्णिमा सिंह लहरपुर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से राम सागर पाल की रिपोर्ट, SKH न्यूज। मौर्या कला की कोटेदार राजरानी जो है उन्होंने बेचा है और ये जनता बताएगी भाई ये गल्ला बेचा गया है। अच्छा, हर महीने में तो आप लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए। आप बताइए आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? ललित कुमार। कहाँ रहते हैं? मौर्या कला। मौर्या कला में रहते हैं। हाँ, तो इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें कार्रवाई, इनको जेल भेजा जाए। अच्छा, कोटा सस्पेंड किया जाए। हाँ, क्योंकि हम 50 रुपए में चावल मांग रहे थे, दुकान से खरीदा, इसने नहीं दिया हमको, कहते एक दाना नहीं है। अच्छा, आवाज बाजार के ले ली, बाजार के लिए बेचने हर बाजार में जाते हैं, परसों हो गए हैं, परसों बिके। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा रमेश सिंह। अच्छा, हमने परसों भी देखा जाते हुए। क्या परसों जाते हुए देखा? परसों भी ट्राली में लेके गए, लेकिन जो है निकल गए, हमने रोक नहीं पाया। किसने बेचा था? वही बेची थी राजरानी। राजरानी ने बेचा था? हाँ। तो ये हमेशा बेचते रहते हैं? ये आए दिन का काम है, तीसरे चौथे। और वो जो है खरीदने वाले रामू से हमने बोला तो उन्होंने कहा हम खरीद खरीद के यहाँ लगाते हैं, बालू उठा के ले जाते हैं। अच्छा, तुम बता पंडित, बता जी, बता पंडित। तो आप लोगों को उचित कार्रवाई चाहिए? कार्रवाई नहीं, सीधे मुकदमा लिखा जाए, मुकदमा लिखा जाए और कोटा सस्पेंड किया जाए इनके नाम से। और गल्ला कम देते हैं? गल्ला तो सभी को कम दिया जाता है, 100 रुपए। अच्छा, आप बताएंगे, आप इधर आइए, भाव आप बताएंगे गल्ला कितना कम दिया जाता है? गल्ला 35 किलो का रह जाता है, 20 किलो, 25 किलो, 26 किलो, पता नहीं किस तरीके से कांटा तुला जाता है। अच्छा। आदमी रोता है लेकिन दबंगई के मारे कहता नहीं था कुछ। तेल मिलता नहीं, तेल तेल 2 महीने इतना है, इतनी दबंगई है। क्या, आपका क्या नाम है? परशुराम। क्या आप बताना चाह रहे हैं? तेल 2 महीने से बटा नहीं हुआ, देते हैं 2 महीने से बटा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं। आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन दी? कुछ नहीं। अच्छा, तो ये दबंगई करते हैं? हाँ। कौन दबंगई करता है? राम सेवक और राजनांदी। स्वागत है आपका, क्या बता रहे हैं आप? मारे जाओ, अंगठन पर रहते हैं, मारे छोड़ते हैं। कौन? राम सेवक। अच्छा, जो बोलता है, जो बोलता है उससे बोलता है। कमरे में गल्ला रखा है और बाहर बाहर निकाल के देते हैं, और जब कहो तब ढकेलने लगते हैं, बाहर निकलो बाहर निकलो। जितना जितना तोल के देते हैं कहते हैं ले जाना, पड़ा रहने दो। अच्छा, गल्ला लेने जाओ, बोलो तो क्या हुआ? गल्ला लेने के लिए जाओ, जो मर्जी हो दे दिए, नहीं मर्जी है तो कम भी दे रहे, बोलो तो कहती 76 लिखवा देंगे। कौन कहता है ये बात? राजरानी। क्या कहती हैं? बोलती 76 लिखवा देंगे। इससे पहले खिलावन पर लिखवाया था 76 उन्होंने? कई लोगों पे लिखवाया। तो खिलावन पे क्यों लिखवाया था उन्होंने? अब यही गल्ले के लिए हुआ था। अच्छा, गल्ला इससे पहले तुमसे भी कोई विवाद हुआ है? हाँ, कोटने के बारे में हो रहा तो 76 लिखवा दे रहा हूँ, आप निर्णय ले लो। हमारा निर्णय, थाने में एप्लीकेशन दे दे, निर्णय आप लोग लेते हो, थाने में ले जाके दे दो इसको, ठीक है, थाने में दे दो। जब आपको हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है तो आप, हम कसम खिलाओगे मंदिर में ले जाकर के,
कार्रवाई करने का तरीका इस पत्थर की बात कर रहा हूँ, कम्प्लेन भरी हूँ, आपको कम्प्लेन लिखा दे की आप थाने में कार्रवाई आप करिए पहले। हम कार्रवाई हम थोड़ी तुरंत कर पाएंगे भाई, जो हमारी एक प्रक्रिया आप थाने में, अभी दरोगा जी आ रहे हैं, जरा मैं बात कर लूँ एटीएम साहब से, जो आप इस तरह की बात कर रहे हो भाई, ये राशन पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया आप देखें, आप दरोगा जी के सरकारी खानदान बुला लीजिए, बात उठाने की आवाज आप लोगों कहते हैं कहने की हमारी ये भूमिका है, ये पब्लिक आपसे नहीं बताएगी, आप कैसे जानेंगे बात होती है। उन्होंने कहते हैं कि मैं इंस्पेक्टर को पैसा देता हूँ, इसलिए कहा जा रहा है पैसा जब लोगे तो क्या करोगे, तेल नहीं बनता है, तेल निकल चुका है, पूछो उनको बिना इनके इजाजत निकल चुका है, इनके रिसीव पूछो उनसे, बात तुम सही कह रहे हो, और खाना तेल बट चुका है, तेल बटा तक नहीं और तेल गायब है, पैसे देते हैं जाओ भाई, क्या कहते हैं ठाकुर, ठाकुर क्या कहते हैं, हमको क्या कह रहे हैं, अरे ले दो चलाई देश बटर खुदामत भी नमार।